हाँ देखिए कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पावन ऋतु में ये माने वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति प्रतिफल नया आवेश ग्रहण करती हुई दिखाई देती है। इस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होता है, जैसे पहला है कि विशाल आकार वाला पर्वत तालाब के स्वच्छ जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। दूसरा है पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं। तीसरा है झरनों का पानी मोतियों की लड़ियों के समान सुशोभित होता है। चौथा ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एकटक देखते हैं। आगे है पांचवा बादलों के छा जाने से पर्वत अदृश्य हो जाता है। छठा ताल से उठे हुए धुओं को देखकर लगता है कि मानो आग लग गई हो और आकाश में तेजी से इधर उधर घूमते हुए बादल अत्यंत आकर्षक लगते हैं। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ है कि मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? तो देखिए मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार करघनी के आकार के समान यह कटी भाग में पहनी जाती है। यह इस तरह से लग रहा था जैसे इसमें पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने यह शब्द इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है। नंबर तीन प्रश्न है कि सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? तो देखिए यहाँ तीसरे का है कि सहस्त्र दीर्घ सुमन का अर्थ है कि हजारों पुष्प रूपी आँखें। कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले फूलों के लिए किया है। वह प्रकृति काल में पर्वतीय भाग में पर्वतीय भाग में हजारों की संख्या में पुष्प खिले रहते हैं। कवि ने इन पुष्पों में पर्वत की आँखों की कल्पना की है। पर्वत अपने नीचे फैले तालाब रूपी दर्पण में फूल रूपी नेत्र के माध्यम से अपने सौंदर्य को निहार रहा है। कवि प्रकृति के माध्यम से पर्वत का मानवीकरण कर फूलों के सौंदर्य को चित्रित करना चाहता होगा। चौथा प्रश्न है कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का स्वच्छ जल स्वच्छ और निर्मल है। वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। दोनों ही पारदर्शी, दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देखता है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था, इसलिए कवि
द्वारा उसकी समानता दर्पण के साथ करना अत्यंत उपयुक्त समझा। पांचवा प्रश्न है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर देखकर उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं, मानो वे अपने उच्च आकांक्षा को पाने के लिए उसे देख रहे हों। वे बिल्कुल मौन रहकर स्थिर रहकर भी संदेश देते प्रतीत होते हैं कि उनको पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर मुखातिब होना चाहिए। और छठा प्रश्न है इसका, साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? ये भाव है, अब देखिए इसका जवाब क्या है। कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, धुआं उठता प्रतीत होता था, ऐसा लगता था मानो तालाब में आग लग गई हो, चारों ओर कोहरा छा गया, पर्वत झरने झरने के सामने अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे भयंकर स्वरूप को देखकर ही साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंसे हुए प्रतीत होने लगते हैं। और एक लास्ट प्रश्न है आपका कि झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो झरने पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं। कवि ने बहते हुए झरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से की है। पहाड़ों के ऊपर बहने वाले झाग जैसे जल वाले झरने ऐसे मनोरम लगते हैं मानो वे झरझर की ध्वनि करते हुए पर्वत की महारथ या महांत गुणगान कर रहे हैं। ये उत्साह और उमंग से ओत प्रोत हो जाते हैं। थैंक यू।